कर्मचारी महासंघ लगातार काफी लंबे समय से प्रदेश के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को लेकर के जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन रहता है। उसी कड़ी में सरकार द्वारा संज्ञान लेते हुए हरियाणा कर्मचारी महासंघ को 18 जुलाई को मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से चंडीगढ़ में प्रातः 11 बजे कर्मचारी की मांगों के बारे में वार्ता का विधिवत रूप से निमंत्रण मिला है। हमारा प्रतिनिधिमंडल जिसको लिखित रूप से राज्य सरकार की तरफ से वार्ता के लिए पत्र प्राप्त हो चुका है, 18 जुलाई को हमारे प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों की जो ज्वलंत मांगे हैं, जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है, जिनमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन नीति को बहाल करना, जनवरी 2016 से देय मकान किराया भत्ता लागू करना, प्रदेश में कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों को नियुक्त तिथि से पक्का करना, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख के आसपास सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सेक्शन संस्थाओं में खाली पद पड़े हैं, उन कर्मचारियों को नियुक्त तिथि से जो कच्चे कर्मचारी हैं पक्का करना, रिस्की कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस देना, और साथ में जो सेवानिवृत्त प्रदेश के कर्मचारी हैं, इसके अलावा जो प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको पंजाब की तरफ पर ओल्ड एज अलाउंस दिया जाए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की राजधानी माननीय उच्च न्यायालय भौगोलिक परिस्थितियां एक हैं, तो हरियाणा के कर्मचारी के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों? मुख्यमंत्री महोदय के साथ होने वाली हमारे संगठन की मीटिंग में इन मांगों के अलावा हरियाणा कर्मचारी महासंघ की तरफ से जो 24 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया है, हमारे प्रतिनिधिमंडल का पूरा प्रयास होगा कि प्रदेश के कर्मचारी वर्ग की जो ज्वलंत मांगे हैं, समस्याएं हैं, उनको सरकार के सामने बड़ी मजबूती के साथ रखा जाए। जैसे कि आपका समय मिला है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती सरकार दबाव बना सकती, देखिए आज हरियाणा प्रदेश की जो मुख्य कर्मचारी डिमांड्स है वो हमारे वेतन और भत्ते बढ़वाने के लिए नहीं है, विशेष रूप से जो जनता के हितों से सरोकार रखने वाले सीधे जनहित के विभाग हैं, चाहे परिवहन है, बिजली है, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभाग, केंद्र सरकार या राज्य सरकार उन विभागों का निजीकरण करने पर तुली हुई है। आप बिजली बोर्ड कर लीजिए, अभी पब्लिक हेल्थ में निगमों को हवाले सीवर और मल व्यवस्था को करने का सरकार द्वारा जो फैसला है, या राज्य परिवहन की 700 बसों को जो किलोमीटर स्कीम के तहत हार करने का फैसला है, ये जनहित में नहीं। हमारा हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी का ये मकसद है, ये प्रयास है कि हमारी डिमांड से पहले जो प्रदेश की जनता से जुड़ाव रखने वाले विभाग हैं, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार जो सरकारी विभाग में उनमें नए पद सृजित किए जाएं। यदि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा तो जनता के हित प्रभावित नहीं होंगे, उनको अच्छी सेवाएं मिलेंगी, और खासकर जो बिजली है, परिवहन है, इनमें अगर भर्ती सरकार पक्की करती है तो राज्य सरकार के खजाने में आर्थिक रूप से इजाफा होगा, जिसके प्रदेश के विकास में योगदान में बड़ा भारी सहयोग होगा। हमारी विशेष रूप से राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रबल मांग है, आग्रह है कि वो हरियाणा प्रदेश की इन कर्मचारी डिमांड्स को, पुरानी पेंशन नीति कई प्रदेशों में बहाल करने का प्रयास किया गया है, जब एक बुढ़ापे का सहारा है 58 साल की सर्विस करने के उपरांत जब एक रोजगार बुढ़ापे का सहारा ही छीन लिया जाएगा, कहां जाएगा कर्मचारी और उसके बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे। सर जैसे कि ना आबादी बढ़ती जा रही है, 20-30 साल पहले जाओ तो कर्मचारी इससे कम है, पहले जा रहे थे हरियाणा प्रदेश में आज से 30 साल पहले 87-88 के अंदर राज्य परिवहन के अंदर 3850 गाड़ियां थी,
आज 30 साल के बाद में प्रदेश की जनसंख्या 3 गुना बढ़ गई, गाड़ी वही की वही 38,839 है। आज यदि हरियाणा रोडवेज के अंदर 14,000 साधारण गाड़ियां बेड़े में शामिल की जाएं, प्रत्येक वर्ष 2,000 गाड़ियां शामिल कर ले सरकार, खजाने पर आर्थिक रूप से बोझ भी ना पड़े, तो 84,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा राज्य परिवहन आपकी एशिया के 79 परिवहन उपक्रमों में कम ईंधन में ज्यादा बचत देने वाला, सुरक्षात्मक दृष्टि से ये वो विभाग है जिसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय प्रत्येक सालाना वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुरस्कृत करते हैं। फिर भी राज्य सरकार, चाहे बिजली बोर्ड है, शिक्षा है, हमारा जन स्वास्थ्य है और आपका परिवहन है, इसको निजीकरण की तरफ धकेलना चाह रही है। हमारा डेपुटेशन आने वाली 18 जुलाई को मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रबल रूप से यह मांग करेगा कि निजीकरण की प्रक्रिया किसी भी स्वरूप में जनहित में नहीं है, कर्मचारी हित में नहीं है, सरकार के भी हित में नहीं है, तो इसको त्याग करके एक जनतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान है। हरियाणा प्रदेश का लगभग 4.25 लाख कच्चा और पक्का कर्मचारी आशा भरी निगाहों से हम चाहेंगे कि जो कुछ प्रॉब्लम्स है जहां पर सरकार का फाइनेंस दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी पैसा नहीं लगेगा, कम से कम वो तो मान ली जाए, एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदेश के कर्मचारी को दी जाए, ऐसा हरियाणा कर्मचारी महासंघ का मानना है।